स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज दी इस वीडियो दे विच असी गल करांगे कि असी विल शैल जा बी गोइंग टू किवें लगाउणागा। वैसे देखण दे विच तां इह ईजी लगदे नेगे बट उन्ने ही इह सानू कन्फ्यूज करदे आ जदों साडे कोल इह ऑप्शन बन के आ जांदे नेगे। मीनस सेंटेंस दे विच साडे कोल विल भी लग्या होयागा ते बी गोइंग टू भी लग्या होयागा, तो फिर इतने बड़ी प्रॉब्लम आती हैगी कि असी हुण इत्थे की लगाईए। पहले तो मैं सानू विल ते शैल तो स्टार्ट कर दाँगा मैं, ताकि भी तुहानू स्टार्टिंग तो पता लग जी कि विल शैल कदों लगना गा ते जिहड़ी बी गोइंग टू जिहड़ा कि आपां हुणे थोड़े टाइम बाद ही करांगे आपां ओह यूज़ किवें करना। ठीक है, सो स्टार्ट करदे आं आपां। पहला गल करिए विल ते शैल दी। पहला विल दी गल करिए, जे विल लगदा कदों हुंदा गा। बड़ी इंपोर्टेंट गल है ये कि जिहड़ा विल है लगता कदों हुंदा, जदों असी कोई ना कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना हुंदा। इंस्टेंट डिसीजन भी नाल दी नाल कहना होवे हाँ जी फैसला लेना। एक्चुअली ना जिहड़ा विल लगता हुंदा जां शैल लगता हुंदा, उहना लगता ही जां तां डिसीजन लई हुंदा हैगा पॉजिटिव जां फिर रिफ्यूजल वास्ते हुंदा वी करना जां फिर नहीं करना। मीनस इहदे विच परपुर वाली गल नहीं हुंदी कि वी करां जां ना करां, इहदे विच डेफिनेटली हुंदा वी हाँ जां फिर ना। मीनस किसी चीज़ नाल अग्री करदे आ नाल दी नाल जां फिर डिसएग्री करदे आ। ठीक है, जिवें आई एम थर्स्टी आई विल मेक सम टी, जिवें जो कि लिखा आया मैं प्यासा, ओबियसली है मैं चाह बनाऊँगा हुण भी पीण वास्ते जां फिर पानी वगैरह पीवांगे आपां, उत्थे विल दी गल। सो इह हो गया तुहाडा वी विल कित्थे यूज़ ना, जो इंस्टेंटली तुसीं जां तां अग्री करदे होंगे हाँ करदे हो सहमत होंगे किसी चीज़ नाल जां फिर डिसअग्री करदे होंगे। ओके, अग्री करदे होंगे जां फिर डिसअग्री करदे होंगे। उस तो बाद अगर आप गल करिए, उस तो बाद जिमें हम ऑर्डर की गल करिए, जिमें पॉइंट लिखा थोड़े को वी आलसो यूज इट ऑर्डर थिंग, जो असी ऑर्डर करना होंगे गा ऑर्डर मतलब इतने आए नहीं भी किसी को कहना भी आ लैके आ तू ए करनी भी नहीं। ऑर्डर का मतलब जिमें आप ऑर्डर दें भी जो कोई चीज़ मंगवानी हैगी, जिमें रेस्टोरेंट के गए उत्थे कहा भी मैं हूँ ऑर्डर किहड़ा गा भी मैं आह चीज़ चाहिए आ बर्गर चाहिए गा जां फिर मैनू शेक चाहिए गा मैनू, है ना। सो जो असं ऑर्डर करते उदों भी तुसी विल लगाने, जिवें आई विल हैव द हैम सैलड। बस इतने गौर करनी है कि विल या शैल नू शॉर्ट दे विच इस तरह लिखा जाता है, मतलब कि उपर कॉमा के नाल दो लाइनज मीनस समझ लेना इतने। सो यह जरा शॉर्ट फॉर्म होंगी है कि जिवें ये लिखी हुई है आई तो बाद कॉमा लग्या होया है। सो जो उस तो बाद जरा विल है नैक्सट पॉइंट के जो असी ऑफर करनी है जो इनविटेशन देना उदो विल यूज़ करता ऑफर। जिमें आई विल पील द पटैटो, मैं थोड़े वास्ते जो पटैटो है उसको छिल दिना गा मैं, तो देखो ऑफर होगी है इनविटेशन विल यू कम टू लंच, मेरे लंच के उपर चलोंगे मेरे ना, तो यह की होगी थोड़े लिए जा सामने पर्सनली इनविटेशन होगी। सो जो असी ऑफर करनी है इनविटेशन देना गा जा ऑर्डर करना गा मंगवाना गा कुछ असी, तो जो किसी चीज़ नाल अग्री जा डिसअग्री करना गा हाँ करनी है जा मना करना गा अग्री करना जा रिफ्यूज़ करना, उदो असी विल ही लिखाने। हुण तुसीं कहोगे शैल कित्थे रह गया, देखो विल ते शैल दा काम इक्को ही हुंदा गा, बट शैल असी कदों लगाउणे हुंदे आ कि सानूं पता कि असी फस्ट परसन दे नाल शैल लगाउणे हुंदे, मतलब आई ते वी दे नाल। सो जो आई ते वी होवे फिर असी शैल लगाउणे हुंदे आ। ठीक है, उस तो बाद आपां अगे वधीए की है अगे इहदे विच जी द फॉर्म ऑफ विल। खैर ये आपां गल कर चुके हैंगे, शैल की गल आ गई जिहदे आपां बारे गल कर रहे सीगे कि शैल जिहड़ा यूज़ हुंदा गा कदों यूज़ हुंदा गा, शैल यूज़ हुंदा गा आई ते वी तो बाद, मतलब फस्ट परसन तो बाद। वैसे विल ते शैल दा मीनिंग सेम हुंदा गा बोलन दे विच, चाहे विल यूज़ करो आई वी तो बाद चाहे शैल यूज़ करो कोई फर्क नहीं पैंदा, गलत नहीं हुंदा। बट जदों साडे कोल ग्रामर दे विच ऑप्शन बन के आ जांदे कि विल लगाओ या शैल लगाओ, फिर सानूं इह रूल अप्लाई करना पैंदा कि आई ते वी दे नाल शैल ते बाकी जो भी कोई सब्जेक्ट है आई ते वी तो अलावा उदों असी विल लगाउणे हुंदे आ। मीनिंग दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा, मीनिंग बिल्कुल सेम है। जिवें उपर गल कीती सी कि विल जदों आपां ने किसी नूं ऑफर करना गा जां इनविटेशन देना विल लगाउणा, उवें ही शैल वी दीआं वी कुछ क्वालिटीज़ ने, उह की नेगियां, उह इह नेगियां। जिवें ऑफर करना, जदों किसी नूं ऑफर करना भी हाँ मैम कम करना, जिवें शैल आई पैक अप योर शॉपिंग फॉर यू,
सजेशन देनी हैगी, क्यों ना आपां जिवें आपां सलाह दिंदे ना किसी नूं वी, क्यों ना आपां घुम्मण फिरन चलीए, इत्थे आ गया, शैल वी गो आउट टुगैदर, क्यों ना आपां इकट्ठे चलीए बाहर। बट अमेरिका जिवें लिखा वी नॉट यूज शैल इन अमेरिकन इंग्लिश, पर अमेरिका वाले यूज ही नहीं करते। ठीक है, सो इह तां सीगी विल ते शैल नूं असीं किवें यूज करनी है। सो इहदे नाल रिलेटिड कुछ एक्सरसाइज जिहड़ियां तुहानूं हुण स्क्रीन दे विच विख रहियां नेगियां, जिवें पॉइंट टू है इंस्टेंट डिसीजन, किस नाल दे डिसीजन लेना, दसो इत्थे की कहोगे तुसीं। सो एक दो सेंटेंस आप करके वेखते हैं, जिवें इन्होंने कहा से वट योर डिसीजन इज इन दिस सिचुएशन, तुसीं इन्हां हालातों में तुहाडा डिसीजन की होएगा जां तुसीं की ऑफर करोगे और वट यू ऑफर टू डू। जिवें देखो द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, यू आर द नीरेस्ट परसन टू इट, तुसीं उस फोन के सब तो नज़दीक हो। ठीक है, तुसीं की कहोगे, मैं फोन चक लूँगा, I shall answer the phone, या I shall pick the phone और I shall receive the phone। ठीक है जी, सो यह इन्नी गल सी, कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं सी। उस तो बाद फोर्थ दे विच ये हैगा गा कि तुसी विल जां शैल लगाना, सानू पता लग जाएगा भी विल लगेगा या शैल लगेगा। उही है जे सब्जेक्ट साडा आई ते वी है तां शैल लग जाएगा, अगर नहीं हैगा गा कुछ होर आ तां विल लग जूगा। जिवें देखो फर्स्ट दे विच द फॉरेस्ट सेज टेंपरेचर विल और शैल राइज टू 30 degrees। सो इतने सब्जेक्ट की है, टेंपरेचर की गल चल रही हैगी, सो इतने लगो विल। सैकेंड दे विच की आऊगा डैश वी गो फॉर अ वॉक, इतने सुजेशन भी है तो उस तो इलावा इतने वो भी लग्या होया गया, इसे करके इतने की लगेगा शैल। सो यह बहुत सिंपल जी गल। उस तो बाद आप बारी गल करते हैं बी गोइंग टू की, बी गोइंग टू लगता कदों हों, बी गोइंग टू लगता हों उदो लगता हों जदों असी कहने भी मैं करन जा रहा गा, समझ गए मेरी गल। हुण बी गोइंग टू मैं फिर फिर दस दवा, आ देखो तुहाडे कोल फर्स्ट दे विच लिखिया भी होया गा कि लिखिया होया गा, जिवें देखो वी यूज बी गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव डिसाइडेड, जदों असी कुछ डिसाइड कर लिया गा, एन इंटेंशन, जो साडी कुछ इंटेंशन हुंदी हैगी असी डिसाइड ही कर लिया भी असी कुछ करांगे तो उदो बी गोइंग टू लगता। हूँ बी गोइंग टू का मतलब की है, इतने भी नोट करना जरूरी है। हूँ बी का मतलब इतने इज एम ते आर तो होंगे गा, ओके इज एम आर होंगे गा, इज एम आर गोइंग टू, समझ गए। सो शॉर्ट दे विच जिहड़ा इज है, शॉर्ट दे विच इज ते एम ते आर यूज होंगे, वैसे लिखन दे विच बी गोइंग टू लगे क्योंकि बी की प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होंगे गा, बी का प्रेजेंट च मतलब इज एम आर होंगे, पास्ट विच इहदा मतलब की होंगे वाजवर होंगे गा, ओके। सो इज एम आर गोइंग टू या वाजवर गोइंग टू, यह इदा लगती होंगी फॉर्म, ओके गॉट इट। सो असी कदों कदों लगाना होंगे गा, आप गल कर चुके हैं कि बी गोइंग टू की फॉर्म लगती उदों होंगी जदों असी फैसला कर लिया गा कि करना गा, साड़ी इंटेंशन की हैगी करन दी। जिवें डेविड इंटेंट्स टू क्लाइंब अप द लैडर, उहदी इंटेंशन की है कि उहने हुण लैडर पौड़ी चढ़नी हैगी, सो इहदी इंटेंशन है। इहनूं आपां की लिख सकते हैं डेविड इज गोइंग टू, डेविड इज गोइंग टू क्लाइंब अप द लैडर, इहनूं इस ढंग नाल लिखिया जा सकदा। जिवें अगे कुछ होर एग्जाम्पल ने, आई एम गोइंग टू वॉच द नैक्सट प्रोग्राम, सो इहदी इंटेंशन आ गई, पक्का हो गया भी करना ही करना गा उसने। उस तो बाद लिखा हुआ वी कैन यूज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर रिफ्यूजल, जो आप साफ साफ मना करना गा उदों भी असी यही चीज़ लगाने आगे, आई एम नॉट गोइंग टू या बी गोइंग टू दे विच नॉट लग गया। हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यही मीनिंग बी विल शैल दे विच सीगा, यही बी गोइंग टू सी, नहीं इन्हां दे विच डिफरेंस सीगा। वो डिफरेंस तुहानू मैं बस हुणी कुछ सैकेंड दे विच तुहानू मैं दस दाँगा, पहला आप बी गोइंग टू थोड़ा जहा होर डिटेल दे विच कर लीए। सो बी गोइंग टू की मैं सो गल दस दा, दिखन दे विच इह चाहे बी गोइंग टू प्रेजेंट दे विच हैगा, पर इहदा जिहड़ा कम हुंदा हैगा इह जिहड़े टाइम की गल कर रहा हुंदा उह गल कर रहा हुंदा हैगा फ्यूचर की। ठीक है, सो जिहड़ा बी गोइंग टू है दिखन दे विच तां इह लगदा हैगा प्रेजेंट फॉर्म हैगा, इज एम आर गोइंग टू लगदा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वर्गा लगदा हैगा, इह ते है भी उहदे वर्गा ही हैगा इह, बट जिहड़ा इह गल कर रहा हुंदा हैगा जिहड़े टाइम की गल कर रहा हुंदा उह टाइम हो रही हुंदी है पास्ट की, सॉरी फ्यूचर की। जिवें आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले इन द ईवनिंग टूडे, मैं अज शाम नूं खेडन जाना गा जां मैं शाम नूं खेडना, गलत आपां हुण कर रहे हैं पर खेडन की गल कदों हो रही है शाम की, सो वह फ्यूचर दे टाइम नूं रिप्रजेंट करता होया हो गया।
गल आ गई समझ दे विच। उस तो बाद बी दे विच फॉर्म लिखी हुई है सिर्फ बी प्लस गोइंग टू प्लस अ वर्ब, मतलब बी का मतलब इज दा मार हो गया फिर गोइंग टू हो गया, यह आप गल कर चुके हैं। सी पॉइंट देखो बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रेडिक्शन। वी ऑलसो यूज बी गोइंग टू फॉर अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो प्रेजेंट नू ध्यान विच रख के असी प्रडिक्ट करिए कि जी हुण इह होण वाला गा। सपोज करो हुण आसमान दे विच बदल छाए हुए ने, काले काले बदल, घने बड़े संघने बदल छाए हुए ने, आपां की कहांगे हुण प्रेजेंट सिचुएशन तो वेख के कह लै जी बारिश होण वाली आएगी। आपां बोलांगे इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन एनी टाइम, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, समझ गए। सो जो बड़ी इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई सी की सी, सी दे विच फर्स्ट लाइन कि असी बी गोइंग टू उदो लगाने होंगे है उस प्रडिक्शन वास्ते, उस भविखबाणी वास्ते जिहड़ी असी प्रेजेंट नू ध्यान विच रख के करिए। प्रेजेंट दी सिचुएशन नू वेख्या उस तो असी आइडिया ला लिया भी लै जी आह होण वाला, ठीक है। जिवें द लैडर इज मूविंग सो डेविड इज गोइंग टू फॉल, हुण लैडर की है हिल रही है, मूव कर रही है, सो सानू आइडिया मिल गया जे हिल रहा तां मतलब कि जिहड़ा बंदा उत्ते चढ़िया होया डिग सकदा, डेविड इज गोइंग टू फॉल। सो यह बी गोइंग टू नू यूज करन दे वे सीगे। अगे इहदे नाल रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजिज ने गियां, उहनां विचों जिहड़ी सब तो इंपोर्टेंट हैगी आपां सी करदे, जिहड़ी कि पेपर दे विच आउण दे चांसिस भी हुंदे नेगे ते इंपोर्टेंट भी हुंदी हैगी, चाहे तुसीं कंपीटिटिव एग्जाम दे स्टूडेंट होंगे, चाहे तुसीं स्कूल जां कॉलेज लैवल दे उपर पढ़ाई कर रहे होंगे। पर यह जिहड़ी ग्रैमर है, ग्रैमर दी वीडियोस ने तुहाडे लई हमेशा कम आउणगे, चाहे तुसीं स्कूल च पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज पढ़ रहे हो, चाहे तुसीं कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, चाहे तुसीं ईटीटी दे पेपर टू दे विच इंग्लिश पार्ट की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, पर यह तुहाडे लई हमेशा बेनीफिट रही रहे। इसे करके इस वीडियो नूं सिर्फ अपने तक ना रखो, जो तुहाडे कोल आ गई इहदा लिंक अपने होर फ्रेंड्स नूं शेयर करदे रहो तां कि वह भी अपना बेनीफिट लै सकन। ते हाँ जी सबसक्राइब तुसीं कर चुके हो जो तां उह अगे शेयर करन तां कि वह भी सबसक्राइब कर सकन ते आप ये वीडियोज़ जो भी नवी अपलोड होंदियां ने तुहाडे तक वह पहुँच सकन। उस तो बाद आप गल करते हैं कि भी इनू बी गोइंग टू यूज करना सीखते हैं भी किमें यूज करना, रूल्स सीख लिया हूँ अपलाई भी कर लिया आप। जिम्मे इन्होंने कहा वट वुड यू से इन दिस सिचुएशन, तुम इन हालात में की कह सकते, कुछ क वर्ड थोड़े को वर्ब दियाँ फॉर्म यूज़ की हुई है इन्हों यूज़ करना तुम, पर हाँ आप इन वर्ब दॉर्म यूज़ नहीं करा, आप अपने को जो सूँ लगता है तो आप होर कोई कर लाँगे। हूँ देखो फस्ट है नाओ इट इज़ गोइंग, नाओ इट इज़ स्टार्टिंग टू रेन, बारिश स्टार्ट होने वाली है। There is nowhere to shelter, किते सिर ढकन वास्ते जगह भी नहीं हैगी, एंड यू हैवन गॉट अम्ब्रेला, तो तुहाडे कोले अम्ब्रेला भी नहीं हैगी, तुसीं की कहोगे हुण बारिश होने वाली हैगी, तुहाडे कोले छतरी भी नहीं हैगी, तो कोई जगह भी नहीं हैगी जिथे तुसीं अपना सिर जिहड़ा है लुको सको जां अपने आप नूं भिजण तों बचा सको। फिर तुसीं की कहोगे कि मैं गिला होने वाला गा, गिला होने नूं की कहने हुंदे आ इंग्लिश दे विच गैट वैट, तुसीं की कहोगे आई एम गोइंग टू गैट वैट, आई एम going to get wet, उन्हें be going to की पूरी फॉर्म लग गई, बी की जगह के उपर एम लग गया, गोइंग गोइंग लग गया, टू टू लग गया। इतने एक गल दसनी रह गई थानू, बी गोइंग टू तो फॉर्म तुम लगाती, पर टू तो बाद गौर करनी है, भुलना नहीं, टू तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है जी। बी गोइंग तो उसी लगाता चलो ठीक है, पर टू तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती, सूँ पता है कि जो टू हों गा टू तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती होंगी हैगी, टू इनफिनिटिव जिन्होंने असं बोल दें जी, गल आ गई समझ दे। सो ये विल शैल तो बी गोइंग टू दे रूल, पर हुण जिहड़ी कि सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है पार्ट, हुण आपां उहदी गल करनी है कि इन्हां दोनों दे विच जे ऑप्शन बन के आ जाए भी असीं विल शैल भी लगाउणा तो बी गोइंग टू भी लगाउणा, फिर असीं की करांगे, फिर प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो आपां हुण उही डिसाइड करना गा कि इत्थे की लगना चाहीदा है, किवें लगना चाहीदा है। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਤੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੈਕਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਫੈਕਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਫੈਕਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ 20 ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਦਾ ਹੈ,
मान लो हुण कोई असीं वेख्या कि कोई टीम अज भी शाम नूं मैच होना गा, सानूं पता उहनां विचों एक टीम बहुत स्ट्रोंग है जी, एक टीम जिहड़ी हैगी बहुत वीक है जी, तां आपां हुण देखांगे फैक्ट की हैगा कि जे स्ट्रोंग जितूगी तां स्ट्रोंग टीम विल विन। सो सानूं पता लग गया जदों असीं फ्यूचर दे विच किसे फैक्ट की गल करते हैं, असलियत की गल करते हैं, सच्चाई की गल करते हैं कि तो समझ लो भी उत्थे विल जां शैल ही लगेगा। पर बी गोइंग टू कदों लगेगा, पहला भी वो पॉइंट आ चुका सी, हुण फिर सेम पॉइंट आया, बी गोइंग टू फॉर एन इंटेंशन। पर जदों असी इंटेंशन की गल करते हैं मतलब समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू, असी ऑलरेडी प्रेजेंट दे विच ही डिसाइड कर लिया है, साड़ी इंटेंशन बन गई हैगी कि असी यह काम करना गा, तो उदों असीं इसे बी गोइंग टू लगाने। जिवें हुण असीं प्रेजेंट दे विच हुण असीं बैठे हैगे, लो वी अज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, जां कहो मेरी बर्थडे पार्टी हैगी, सो अज मैं रात की जिहड़ी अज दी मेरी बर्थडे पार्टी हैगी उह अज रात नूं मैं 5-star होटल दे विच करनी है, 5-star होटल दे विच मैं पार्टी देनी है। सो तुहाडी इंटेंशन बन गई है, सो उत्थे बी गोइंग टू लगो, आई एम गोइंग टू हैव माई बर्थडे पार्टी इन 5-star होटल टूडे, समझ गई गल। सो जदों तो असीं प्रेजेंट दे विच ही अपनी सोच बना लो, अपना मन बना लो कि कुछ करना मैं, उदों असीं बी गोइंग टू लगाने होंगे। उस तो बाद होर कुछ डिफरेंस जिहड़े हैगे ने गे वो भी आपां गल करदे आ। नैक्सट पॉइंट दे विच देखो असीं विल असीं यूज नहीं करदे उदों जदों साडी कोई इंटेंशन होंदी आ, इंटेंशन सिर्फ जो होवे तां असीं बी गोइंग टू लगाने होंगे, उदों विल वगैरह नहीं लगा सकते। ओके तो जिवें इट्स हर बर्थडे, शी इज़ गोइंग टू हैव अ मील विद हर फ्रेंड, उही गल उहदा बर्थडे है इसे करके दोस्तों के नाल खाना खान जा रहे, सो इंटेंशन हैगी वो, क्योंकि बर्थडे है, प्रेजेंट सिचुएशन है। पिछले आप हमने पॉइंट पढ़ के आए हैं जदों प्रेजेंट नूं ध्यान विच रख के असी फ्यूचर की कोई प्रडिक्शन करिए उदों असी बी गोइंग टू लगाने होंगे है, तो हुण उहदा बर्थडे है तो प्रडिक्शन की है, ऑब्वियसली है कि वह अपने दोस्तों के नाल जाके पार्टी करेगी, पर उत्थे असी विल नहीं यूज़ करांगे इंटेंशन दे विच, मतलब इत्थे नहीं लगे शी विल हैव अ मील, यह नहीं लगेगा। हैव सॉरी विल शैल तो असं उदों लगाने जो ना असी फैक्ट की गल करते हैं, असली की गल करते हैं, हो थोड़ा डिटेल दे विच सोनू मिलेगा वो आप हुण इस तो बाद पढ़ते हैं जिहड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट है, इहनू इगनोर नहीं करना गा। सो डिसीजन एंड इंटेंशन, डिसीजन एंड इंटेंशन। सो विल की गल की हुई है, विल असी कदों लगाने होंगे हैं जी, वी यूज विल फॉर इंस्टेंट डिसीजन और अग्रीमेंट टू डू समथिंग, जिहड़े आप रूल्स पहला पढ़ के आए हैं सेम उ आए हुए नेगे, हम कहते असी विल जो असी नाल दी नाल कोई डिसीजन लै लीए नाल दी नाल भी करना अग्री जां फिर नहीं करना, मतलब कि रिफ्यूज़ करना, उदों असी विल लगाने होंगे है, जां फिर एक नाल उत्थे पॉइंट होर ऐड कर लो, जो असी फैक्ट की गल करते होंगे है उदों असी विल लगाने होंगे है। जिवें देयर इज़ अ पोस्ट बॉक्स ओवर देयर, पोस्ट बॉक्स हैगा गा उत्थे, आई विल पोस्ट दिस लैटर्स, तो मैं ये लैटर जिहड़े हैगे ने पोस्ट कर दूँ। सो ये ना दे ना तुहाडा लिया होया फैसला हैगा, अग्रीमेंट हैगा, उहदे बिल्कुल सामने देखो कि लिखा हुआ बी गोइंग टू। बी गोइंग टू मीनस दैट वी हैव ऑल डिसाइडेड, ये तो गल पहला ने, जदों तुसीं पहला ही कुछ फैसला लै रखा जी मैं तां जी यही करना गा, मैं तां जी यही करना गा, तुहाडी इंटेंशन बन चुकी हैगी, उदों बी गोइंग टू लगदा। यही सेम रूल्स आपां ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵਿਲ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਖਾਣੀ ਵਿਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ, ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟੀਮਸ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਕਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 10 ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਓ। ਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਡ ਯੂ ਬਾਏ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਹ? ਤਾਂ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਐਮਾ ਰੇਡ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਮਾ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਰੀਡ ਇਟ ਔਨ ਹੋਲੀਡੇ, ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਇਟ ਔਨ ਹੋਲੀਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੂਗੀ ਜਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਔਨ ਹੋਲੀਡੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਔਨ ਹੋਲੀਡੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪਸੰਦ ਆ? ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੌਫੀ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਲੈ ਲਉ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਊਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਕੌਫੀ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਕੌਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੌਫੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇ ਵਿਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਵਿਲ ਅਤੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹੇਟ ਡੋਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ। ਡੋਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟੈਕ ਯੂ ਇਫ ਦੇ ਗੈਟ ਦ ਚਾਂਸ, ਕੁੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਡੋਗ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਗ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਾਰਡਸ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਾਰਡਸ ਅਸ, ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਟੈਕ ਅਸ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਟੈਕ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਅਤੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇ
what your decision is in this situation or what you offer to do. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਸੰਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਦ ਮੈਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂਡੇ, ਬੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੇਰ ਆਰ 100 ਪੀਪਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਇਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਇਨ ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 'ਚ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਇਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ. ਓਕੇ, ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ. ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਔਰ ਆਨਸਰ ਫੋਰ ਦੀਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਓ. ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ. ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ.